ईरान में कोरोना वायरस के फैलने के इतला पर पाक ईरान सरहद से मुंसलिक अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि हिफाजती डेस्क भी कायम कर दिया गया है। वायरस के पेश नजर पाकिस्तान ने जायरीन के ईरान जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ईरान से कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचने के खदशे के सबब पाक ईरान सरहदी इलाकों में तिब्बी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान से पाकिस्तान आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि जायरीन के भी ईरान जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतल्लिका हुकाम को जमीनी और हवाई रास्ते से ईरान जाने वालों को रोकने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। हुकाम का कहना है कि आम शहरियों पर भी सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें ईरान में कोरोना वायरस के फैलने की इत्तला से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया है। जान कमाल ने बताया कि वायरस से बचाव एहतियाती तदाबीर के लिए खसूसी टीमें बना दी गईं, जो ताफ्तान और दीगर इलाकों में तैनात की गई हैं और सूरत हाल की निगरानी खुद कर रहा हूँ। उधर महकमे सेहत बलूचिस्तान ने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ताफ्तान में सेंटर कायम कर दिया गया, जिसमें 7 डॉक्टर जरूरी तिब्बी सामान लेकर पहुंच गए हैं। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक तिब्बी अमले की तरबियत के लिए NIH की टीमें इस्लामाबाद से वहां पहुंच गई हैं। जल्द ही ताफ्तान में PDMA की मुआवनत से 100 बेड पर मुहित अस्पताल कायम किया जाएगा। पाक ईरान सरहद पर पहले ही 2 डॉक्टर तैनात किए गए हैं।